दुनिया में घटित इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना की निंदा करते हुए युवा जनता दल यू के राष्ट्रीय सचिव पीयूष बजरंगी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। तब शर्मसार करने वाली घटना दुनिया में देखने को मिली, अब उस पर राजनीति भी धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। ऐसे में आपने कुछ फोटो वहाँ के असामाजिक तत्वों का लोगों के बीच में पहुँचाया जाता है, क्या कहना है? देखिए, जो भी कुछ दुनिया में अमानवीय तरीके से एक महिला को किया गया, उसकी जितनी ही निंदा की जाए वो बहुत कम है। मैंने तो सिर्फ इतना किया है कि जो विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, वो कल तक कहते थे बात बात पर हमारे मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी के अन्य नेताओं से इस्तीफा मांगते थे, तो हमारे मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं और ना ही हम किसी को बचाते हैं, जो गलती करता है उसका वो जेल जाता है। और मुख्यमंत्री जी ने ये कर भी दिखलाया है। और आज आप खुद देख लीजिए कि जिस तरह की किशोर यादव जो था वहाँ का, जो वहाँ का लीड कर रहा था भीड़ को, जो भीड़ को उकसाया था, उसको लोग पूछे थे कि आप किस पार्टी के हैं, जो सिखाया बुद्धि 5 मिनट रहता है, तो जनतांत्रिक पार्टी पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के बताया था कि हम सदस्य हैं। लेकिन जिस तरह से फोटो, जिस तरह से उसका वीडियो वायरल हुआ, दर्जनों फोटो राष्ट्रीय जनता दल के मीटिंग में, धरना में वायरल हुआ, तो ये तो प्रूफ हो गया कि वो राष्ट्रीय जनता राष्ट्रीय राजद का कार्यकर्ता है। वही नहीं, एक सोनू यादव नाम का कार्यकर्ता भी वहाँ पर पकड़ाया है, जिस पर नाम है और वो भी अरेस्ट है। तो दो राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता उस बिहिया प्रकरण में शामिल है। तो हमारे पार्टी में आप देखे होंगे, आप मीडिया बंधु हैं, किसी पर आरोप लगता है तो हमारे पार्टी ने पहले उसको पार्टी से बेदखल करती है। लेकिन तेजस्वी जी बात बात पर ट्वीट कर मीडिया के माध्यम से इस्तीफा मांगते हैं। अरे इस्तीफा वो क्या मांगेंगे जिसके पार्टी के सुप्रीमो माननीय लालू जी ही आज सजायाफ्ता हैं, राजबल्लम जी हैं, माननीय शहाबुद्दीन साहब हैं, तेजस्वी जी के पीए मणि जी हैं, ऐसे ऐसे हमको लगता है सैकड़ों नेता चार्जशीटेड अपराधी हैं, कितना को पार्टी से निकाले। तो पहले अपने गिरबान में झांक कर देख लेना चाहिए कि मेरे गिरबान में कितना छेद है। ये मतलब कि किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बार बार बिहार के नाम बदनाम करने के लिए बार बार साजिश रची जा रही है। आप याद की 2005 के पहले बिहार का स्थिति क्या था, यही लोग, यही चंद लोग बिहार के नाम पूरे देश में खराब किए थे और सत्ता इनसे हाथ छिड़ाया है, छटपटा गए हैं, पूरे सोशल मीडिया से लेकर तरह तरह की अवलोकन लगाकर अपने लोगों को भड़काकर तरह तरह की नीचा से नीचा स्तर की अवनमीय घटना कराकर बिहार का छवि देश में फिर से धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जो इनकी असली चेहरा थी वो जनता के सामने आ गई है और जनता जानता है, पूरी जनता बिहार की जानती है, बिहार की क्या, हम देश की जनता का है कि लालू की यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी कैसी है, उन लोगों का व्यवहार कैसा है। परिचय बताइए। मेरा नाम प्रिंस बजरंगी, युवा जनता दल के राष्ट्रीय सचिव हूँ।